In this video, we are going to study about filter circuits. तो सबसे पहले हम लोग इसके basic definition से start करते हैं और ये जानने का कोशिश करते हैं कि filter circuits होता है क्या है। हमने एक बहुत easy सा definition यहाँ पर लिखा है, इसको carefully आप लोग देखिएगा। An electric filter is a circuit which reject all the undesired frequency of an electrical signal and pass only the desired signal. इसका मतलब ये है कि जो फिल्टर होता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जो कि क्या करता है, अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल को रोकता है, रिजेक्ट करता है और जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है उसको आगे की तरफ पास करता है। ठीक है, इसको समझने का सबसे अच्छा एक तरीका है, मेरे पास एक एग्जांपल है, आप जस्ट एक एग्जांपल ले लो। जैसे हम लोग चाय बनाने के बाद उसको चाय छन्नी से छानते हैं। ठीक है, चाय छन्नी को क्यों छानते हो? क्योंकि जब आप चाय बनाते हो, केतली में जब चाय बनाते हो, दूध, चीनी, चाय पत्ती ये सब डालते हो। ठीक है, उसके बाद जब पीने का वक्त आता है बनाने के बाद, तो क्या हम लोग पूरे सॉल्यूशन को पीते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं, आप उसको पहले फिल्टराइज करते हो। फिल्टराइजेशन प्रोसेस में करते क्या हो, फिल्टरिंग प्रोसेस में आप करते क्या हो कि उसका जो चाय पत्ती होता है उसको छान के अलग कर लेते हो, आया बात समझ में? और जो लिक्विड पार्ट होता है उस पार्ट को ही सिर्फ हम लोग सर्व करते हैं, पीते हैं, आया बात समझ में? तो फिल्टर वहाँ पे जो चाय छन्नी है उसने किया क्या, फिल्टराइज किया, एक पोर्शन चाय का जो था उसको आगे की तरफ पास किया और दूसरे को वहीं पे रोका, आया बात समझ में? तो यहाँ पे भी यही चीज़ हो रहा है कि एक किसी एक फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स को आगे की तरफ पास करेगा और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स को वहाँ पे स्टॉप करेगा। हम लोग आगे के टॉपिक्स में सीखेंगे कि क्यों इसका ज़रूरत पड़ा। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फिल्टर के बारे में। जनरली ए फिल्टर सर्किट यूज आफ्टर द रेक्टिफायर विच कन्वर्ट पल्सेटिंग आउटपुट सिग्नल इनटू ए स्टेडी डीसी सिग्नल। ठीक है, हमने यहाँ पे इस लाइन का मतलब समझाया है, या समझो इसको ऐसे कि फिल्टर सर्किट का ज़रूरत क्या है। तो जनरली जो रेक्टिफायर सर्किट्स होता है उसका आउटपुट सिग्नल जो होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो सिग्नल है ये एक रेक्टिफायर का आउटपुट सिग्नल है, हमने यहाँ पे लिखा भी है रेक्टिफायर आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो ये जो सिग्नल होता है रेक्टिफायर का आउटपुट सिग्नल होता है, इसमें एसी और डीसी दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। ये पल्सेटिंग डीसी सिग्नल्स है, इसमें एसी कंपोनेंट्स और डीसी कंपोनेंट्स दोनों हैं, इसमें एसी कंपोनेंट्स भी है प्लस डीसी कंपोनेंट्स है। अब हम लोग को एक्चुअली चाहिए होता है समवेयर वी आर रिक्वायर्ड प्योर डीसी सिग्नल्स, तो इस एसी प्लस डीसी में से सिर्फ डीसी को आपको अलग करना है, एसी को ब्लॉक करना है। यहाँ पे किसको ब्लॉक करना है, एसी को ब्लॉक करना है, तो फिर उसके लिए फिल्टर का ज़रूरत पड़ा। अगर मान लो कोई सिग्नल है जिसमें एसी और डीसी दोनों मिक्स है, जस्ट लाइक चाय, ठीक है, आप जो चाय बनाते हो, टी जो बनाते हो, उसमें भी वही चीज़ होता है, एक डिजायर पार्ट होता है एक अनडिजायर पार्ट होता है, वैसे ही यहाँ पे भी एसी और डीसी दोनों मिक्स है, इसमें से अनडिजायर पार्ट आपका एसी है, इसको आपको अवॉइड करना है, इसको रिजेक्ट करना है, और डीसी जो है ये आपका डिजायर पार्ट है, ये जो डीसी सिग्नल है ये डिजायर पार्ट है। तो हमारे पास एक ऐसा सर्किट है, एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसका नाम फिल्टर है, जो कि इस तरह के सिग्नल्स में से जिसमें दोनों सिग्नल मिक्स होता है उसमें से डीसी को आगे की तरफ अलाउ करता है और एसी को ये क्या करता है, ब्लॉक करता है। इस सिग्नल को जब इस फिल्टर से पास करोगे तो आपको सिर्फ यहाँ पर डीसी सिग्नल मिलेगा, ये जो सिग्नल है ये डीसी सिग्नल है, आया बात समझ में? चलिए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं फिल्टर के बारे में। सो यहाँ पे एक पॉइंट हमने लिखा है, ए फिल्टर सर्किट इज जनरली ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एल एंड कैपेसिटर सी। आगे हम लोग देखेंगे कि जो फिल्टर सर्किट्स होगा ये तो ब्लॉक डायग्राम है, एक्चुअल जो सर्किट्स होता है उसमें कॉम्बिनेशन होता है इंडक्टर एल का, एक इंडक्टर यूज करते हैं और एक कैपेसिटर यूज करते हैं। इंडक्टर और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से हम लोग फिल्टर सर्किट का डिजाइन कर सकते हैं, या आप यूं भी कह सकते हो कि फिल्टर सर्किट्स का मेन कॉम्पोनेंट्स इंडक्टर और कैपेसिटर होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट में हमने ये लिखा है, द फिल्टरिंग एक्शन डिपेंड्स अपॉन बिहेवियर ऑफ इंडक्टर एल एंड कैपेसिटर सी। जो फिल्टर का फिल्टरिंग एक्शन है, जो काम करने का प्रोसेस है, वो डिपेंड करता है किसके बिहेवियर पे, तो बिहेवियर ऑफ इंडक्टर एन एंड कैपेसिटर सी। आगे जब हम लोग इसका एक्चुअल एग्जांपल्स लेंगे या इसका जो टाइप्स लेंगे, फिर उसमें हम लोग ये देखेंगे इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। ठीक है गाइज, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखा है, एन इंडक्टर अलाउड टू पास डीसी सिग्नल
ओनली एंड कैपेसिटर अलाउ एसी सिग्नल ओनली। अब इस बात को समझना होगा आपको डिटेल्स में कि मान लो कोई ए इंडक्टर है, ठीक है, ये कोई इंडक्टर है, आप लोग जानते होंगे कि ये इंडक्टर का सर्किट सिंबल है, ठीक है। अब इससे जब डीसी सिग्नल को पास करोगे, यहाँ से मान लो कोई डीसी सिग्नल यहाँ से पास किए, इसके इस टर्मिनल से डीसी सिग्नल भेजते हो, तो ये इसको पास करने देता है, यानी कि इसका आउटपुट में डीसी आ जाएगा। लेकिन मान लो यही कोई इंडक्टर है और इससे इसके एक टर्मिनल से एसी सिग्नल पास करोगे, तो ये एसी सिग्नल को ब्लॉक करता है, यहाँ पे आगे की तरफ नहीं जाने देता है, यानी कि यहाँ पे आउटपुट सिग्नल जो होगा वो होगा जीरो। एक बार फिर से हम बता देते हैं कि इंडक्टर जो होता है वो डीसी सिग्नल को अलाउ करता है, पास करता है, और एसी सिग्नल को ब्लॉक करता है। ये जब अलाउ करता है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका रेसिस्टेंस इस समय जीरो हो जाता है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो हो जाता है। ये एसी सिग्नल को ब्लॉक करता है, इसका मतलब ये है कि इसका जो रेसिस्टेंस है वो इनफिनाइट हो जाता है। सो फिर से अब इस स्टेटमेंट का आप मतलब समझो, हमने यहाँ पे लिखा है एन इंडक्टर अलाउ टू पास डीसी ओनली। अलाउ टू पास डीसी ओनली का मतलब क्या है कि डीसी को पास करेगा और एसी को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। वैसे ही यहाँ पे देखोगे हमने लिखा है कैपेसिटर अलाउ एसी ओनली, इसका मतलब क्या है कि ये मान लो कोई कैपेसिटर है, अब इसके इस टर्मिनल से अगर एसी सिग्नल पास करोगे तो इस केस में ये जो कैपेसिटर है एसी को अलाउ करता है, यानी कि आगे की तरफ पास करेगा, इसके दूसरे टर्मिनल से एसी सिग्नल ऐसे फ्लो हो सकता है, बट ये डीसी को ब्लॉक करता है। डीसी को ब्लॉक करने का मतलब क्या है, यहाँ से कोई डीसी सिग्नल भेज रहे हो इसके इस टर्मिनल से, तो ये आगे की तरफ डीसी सिग्नल नहीं पास करेगा, यहाँ पे सिग्नल का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब ये है ये एसी को पास किया और डीसी सिग्नल्स को ब्लॉक किया। अब इसको भी समझ लेते हैं कि उस समय रेसिस्टेंस क्या होगा, तो एसी के केस में इसका रेसिस्टेंस हो जाता है जीरो, रेसिस्टेंस जीरो, और सिग्नल ब्लॉक करने का मतलब है कि इस समय डीसी के केस में इसका रेसिस्टेंस इनफिनाइट हो जाएगा। ये कुछ बेसिक्स था इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में, इसको आप लोग अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि अगर ये बात नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आगे आपको फिल्टर समझाना मुश्किल होगा। सो ये जो बात है इसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, वीडियो को रीप्ले करके वापस से देख लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फिल्टर कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। तो फिल्टर यहाँ पे बेसिकली चार टाइप्स का होगा, ठीक है। पहला होगा सीरीज इंडक्टर फिल्टर, जिसको एल फिल्टर भी बोलते हैं, ऐसे भी इंडक्टर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा शंट कैपेसिटर फिल्टर, जिसको शॉर्ट में सी फिल्टर भी बोलते हैं। तीसरा होगा इंडक्टर कैपेसिटर फिल्टर, जिसको एल सी फिल्टर बोलते हैं। और चौथा होता है पाई फिल्टर, पाई फिल्टर, ठीक है। और पाई फिल्टर का एक और नाम है सी एल सी फिल्टर, सी एल सी फिल्टर, आगे हम बताएंगे। सी एल सी का मतलब होता है कैपेसिटर इंडक्टर कैपेसिटर, यानी कि दो कैपेसिटर और एक इंडक्टर वाला कोई फिल्टर होगा। आया बात समझ में, चलिए ठीक है। तो पहला हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सीरीज इंडक्टर फिल्टर एल फिल्टर। हमने यहाँ पे कुछ इसके बेसिक्स पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि ये पॉइंट्स क्या है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सीरीज इंडक्टर फिल्टर के बारे में है। दिस टाइप ऑफ फिल्टर इज ऑल्सो कॉल्ड चौक फिल्टर। ये जो सीरीज इंडक्टर फिल्टर है इसका दूसरा नाम चौक फिल्टर है। एक्चुअली इंडक्टर को ही समटाइम्स हम लोग चौक बोलते हैं, इसलिए इसका नाम चौक फिल्टर है। सेकेंड पॉइंट हमने लिखा है यहाँ पे, इट कंसिस्ट ऑफ एन इंडक्टर एल और चौक विच इज इंसर्टेड बिटवीन द रेक्टिफायर एंड लोड रेसिस्टेंस आर एल। इसका मतलब ये है कि इसमें जो इंडक्टर है उसको आप इंसर्ट कियो, प्लेस कियो कहाँ पे, तो रेक्टिफायर और लोड आरएल के बीच में, जो कि हम लोग आगे अभी इसका जब सर्किट हम लोग देखेंगे तो उसमें ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है द बेसिक सर्किट्स ऑफ फिल्टर इज शोन इन द गिवन फिगर। ये जो है सर्किट का, ये जो सीरीज इंडक्टर फिल्टर है उसका ये बेसिक सर्किट्स है। बेसिक सर्किट्स में कुछ नहीं, बस लोड से पहले सीरीज में एक इंडक्टर कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे जो इसका इनपुट सिग्नल है, ये इनपुट जो होता है, पहले ही मैं बता देता हूँ इसको बहुत अच्छे से आपको समझने का ज़रूरत है कि जो फिल्टर सर्किट्स होता है उसका इनपुट सिग्नल क्या होता है। तो फिल्टर सर्किट का जो इनपुट सिग्नल होता है वो रेक्टिफायर का आउटपुट सिग्नल होता है, रेक्टिफायर आउटपुट सिग्नल, ठीक है।
कहने का मतलब क्या है कि फिल्टर का जो इनपुट होगा वो फिल्टर का जो इनपुट होगा रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट सिग्नल होगा, यानी कि जो रेक्टिफायर सर्किट आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करता है उसी को हम लोग इस फिल्टर सर्किट से पास करते हैं। ठीक है, चलो फिर। सो यहाँ पे यही ये बेसिक सर्किट्स है। अब हम लोग एक्चुअल इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि रेक्टिफायर में किस तरीके से रेक्टिफायर के बाद फिल्टर को यूज किया जाता है। ठीक है, पहले हम बता चुके हैं कि रेक्टिफायर सर्किट्स के बाद फिल्टर सर्किट्स को यूज करते हैं फिल्टराइजेशन प्रोसेस के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक सेंटर टैप रेक्टिफायर सर्किट्स है, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट्स है। यहाँ पे हमने स्पेस छोड़ रखा है, यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को इंडक्टर लगाना है, बस इतना सा काम कर देना है। ये इंडक्टर लोड से सीरीज में कनेक्ट हो गया और ये यहाँ पे फिल्टर का फॉर्मेशन किया, यानी कि ये फिल्टर का काम यहाँ पे ये इंडक्टर करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो बेसिक सर्किट था इसमें लोड से इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड था, वैसे ही यहाँ पे जो बेसिक रेक्टिफायर सर्किट्स है उसमें ये लोड है उससे सीरीज में इंडक्टर को कनेक्ट कर दो, यही इंडक्टर आपको यहाँ पे फिल्टराइजेशन का काम करेगा। फिल्टराइजेशन काम करने का मतलब क्या है कि ये एसी सिग्नल को ब्लॉक करेगा और डीसी सिग्नल पास करेगा, यानी कि फिल्टर का अब रेक्टिफायर का जो आउटपुट सिग्नल मिलने वाला है वो ऑलमोस्ट डीसी सिग्नल मिलने वाला है, जबकि अगर इस इंडक्टर को हटा दोगे तो इस रेक्टिफायर का जो आउटपुट सिग्नल होगा वो एक पल्सेटिंग डीसी सिग्नल होगा जिसमें एसी और डीसी दोनों सिग्नल बहुत ही ज़्यादा होते हैं। बट यही अगर इंडक्टर लगा दोगे तो लोड के अक्रॉस जो आपको आउटपुट सिग्नल वी नॉट मिलेगा ऑलमोस्ट डीसी सिग्नल मिल जाता है। अब ये जो कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, यही पॉइंट्स आपको क्लियर करेगा कि ये फिल्टर जो इंडक्टर यहाँ पे लगाए हो ये सिग्नल्स को कैसे फिल्टराइज कर रहा है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है द रेक्टिफायर कंटेन एसी कंपोनेंट्स एज वेल एज डीसी कंपोनेंट्स। रेक्टिफायर का जो आउटपुट सिग्नल होता है ये एसी कंपोनेंट्स और इसमें डीसी कंपोनेंट्स दोनों होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है कि व्हेन द आउटपुट पासेस थ्रू द इंडक्टर इट ऑफर ए हाई रेजिस्टेंस टू द एसी कंपोनेंट्स एंड नो रेजिस्टेंस टू द डीसी कंपोनेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि जब ये सिग्नल पल्सेटिंग डीसी सिग्नल्स को जिसमें एसी और डीसी दोनों मिक्स है जब इसको फिल्टर से पास करोगे तो ये क्या करेगा, एसी के लिए हाई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, यानी कि आर का वैल्यू एसी के लिए वेरी हाई होगा और डीसी के लिए आर का वैल्यू वेरी लो होगा। इस तरीके से ये एसी को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। यहाँ से जब भी कोई पल्सेटिंग डीसी सिग्नल इस इंडक्टर से फ्लो करेगा तो ये एसी को ब्लॉक करेगा और सिर्फ डीसी को लोड पे पास होने देगा, इस लाइन का मतलब यही है। फिर यहाँ पे हमने लिखा है देयरफॉर एसी कंपोनेंट्स ऑफ द रेक्टिफायर आउटपुट इज ब्लॉक्ड एंड ओनली डीसी कंपोनेंट रीच एट द लोड। अभी जस्ट इसी को मैंने डिफाइन किया। ठीक है, अब आइए इसको हम लोग इसके वेवफॉर्म से समझते हैं। ठीक है, ये जो आप वेवफॉर्म देख रहे हो ये जो वेवफॉर्म बना है ये किसका वेवफॉर्म है, आप लोग को याद होना चाहिए। ऐसा वेवफॉर्म आप लोग फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट का देखे थे, आया बात समझ में। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट का वेवफॉर्म है। ठीक है, हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में डीसी वैल्यू भी फाइंड आउट किए थे, इस सिग्नल्स का डीसी वैल्यू एवरेज वैल्यू क्या होगा, आरएमएस वैल्यू क्या होगा, रिपल फैक्टर क्या होगा, इफिशेंसी क्या होगा, ये सारा चीज़ हम लोग फाइंड आउट किए हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे वीडीसी का वैल्यू यहाँ पे इसको करेंट सिग्नल ले लो, ये आउटपुट करेंट का वेवफॉर्म है, ये आउटपुट करेंट का वेवफॉर्म है किसका, तो फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट का ये आउटपुट करेंट का वेवफॉर्म है। आप पीछे में जाके थोड़ा सा रिविजन कर लेना। और उसका जो डीसी वैल्यू आता है, एवरेज जो वैल्यू आता है उसको भी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, जिसका वैल्यू होता है 2/πIm। ठीक है, इसको मैं प्रूफ करवा रखा हूँ। और ये एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, ये जो डॉटेड लाइन है ये एक कांस्टेंट वैल्यू से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग ये समझते हैं कि ये जो सिग्नल है इस तरह का सिग्नल, अब इसको ये पल्सेटिंग डीसी सिग्नल्स को ये जो फिल्टर सर्किट्स है कैसे डीसी सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडक्टर है आप देख सकते हो, ये जो इंडक्टर एल है इसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करेक्टरिस्टिक्स होता है। जब इसमें कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होता है एवरेज वैल्यू के अबव तो ये चार्ज होने लगता है, फिर ये एवरेज वैल्यू से जब इसका सप्लाई वैल्यू कम होता है तो ये डिस्चार्ज होने लगता है। तो सपोज करो कि ये
ये इसका एवरेज वैल्यू है, ये जो डॉटेड लाइन हम लोगों ने बनाया ये इसका एवरेज वैल्यू है। जब ये सिग्नल, ये जो कोई सप्लाई सिग्नल है, ये जो आउटपुट सिग्नल है, जब इसका ये यहाँ से इस तरीके से इसका वैल्यू बढ़ना स्टार्ट होगा तो आपका इंडक्टर जो है यहाँ पे ये चार्ज होना स्टार्ट होता है। और चार्ज कैसे होगा, तो एक बार ऐसे चार्ज होता है, देखोगे इसको ये ऐसे चार्ज होता है, फिर जब ये वैल्यू घट के इस पॉइंट से आएगा तो ये डिस्चार्ज होने लगेगा, फिर घट के यहाँ तक जाएगा, ये इंडक्टर आपका डिस्चार्ज होते रहेगा, फिर वापस ये जब वैल्यू बढ़ के यहाँ एवरेज के ऊपर जाएगा तो ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस इंडक्टर का ऑलमोस्ट चलते रहता है पर साइकिल, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये जो मैंने ग्रीन वाला लाइन बनाया, अब ये इंडक्टर के कारण आ रहा है। इंडक्टर का एक और प्रॉपर्टी होता है कि ये जो सडन करेंट चेंज हो रहा है, ये आउटपुट करेंट वेवफॉर्म है फुल वेव रेक्टिफायर का। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे सडनली बहुत ही कम टाइम में ये इसका एम्पलीट्यूड जो है सडनली इंक्रीज कर रहा है। जब ये आप इंडक्टर यहाँ पे लगा दिए तो इंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है, थर्ड सेम में मैंने पढ़ाया भी था कि इंडक्टर के एक रॉस सडन रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट नहीं होगा। इंडक्टर जो है किसी करेंट को सडनली फ्लो नहीं करने देता है, यहाँ पे जो करेंट फ्लो होता है ये स्लोली करेंट फ्लो होगा, यानी कि सडन रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट को रोकता है। अच्छा, इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज का वैल्यू होगा, यहाँ पे जो VL का वैल्यू होगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। VL का जो वैल्यू होता है LdidtI होता है, यानी कि LdidtI यहाँ पे L इंडक्टर इंडक्टेंस हो गया इंडक्टर का, और DiDt को हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट बोलते हैं, DiDt को रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट बोलते हैं। यानी कि ये प्रोसेस को ये क्या कर देता है, ये जो इंडक्टर है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट को कम कर देता है। इसलिए करेंट जो है सडनली बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता, ये स्लोली धीरे धीरे चेंज होता है, फिर वापस घटता है, बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा। और ये जो ग्रीन वाला लाइन है ये आपका जो डीसी सिग्नल का ये जो डॉटेड लाइन है इसी के अराउंड आता है, और फाइनली जो लोड से जो आउटपुट सिग्नल फ्लो होगा या इस लोड के क्रॉस जो हम लोग को आउटपुट सिग्नल मिलेगा यही ग्रीन वाला सिग्नल मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर इस इंडक्टर को हटा देते हो तो आउटपुट सिग्नल ये मिलेगा, लेकिन इंडक्टर को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हो तो आपका आउटपुट सिग्नल ऑलमोस्ट डीसी सिग्नल मिलेगा। इसको हम अलग से एक पेज पे बना के दिखा रहे हैं। अलग से बना के दिखाने का मतलब ये है कि सिर्फ इस सिग्नल्स को, ग्रीन वाले सिग्नल को, यानी कि अब जो फाइनल सिग्नल हम लोग को आउटपुट में यहाँ पे मिल रहा है उसको मैं बता के दिखा रहा हूँ। ये मान लो कोई डीसी सिग्नल था, एवरेज सिग्नल था, तो अब इंडक्टर के कारण जो सिग्नल मिल रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ये इसी के अराउंड ऐसे मिल रहा है, जहाँ पे हम लोग को सिग्नल ऐसा इतना फ्लैक्चुएशन मिल रहा था सिग्नल का, ये फ्लैक्चुएशन अब नहीं मिलेगा। अब आपका ये जो सिग्नल है ये ऑलमोस्ट डीसी सिग्नल, अगर ये प्योर स्ट्रेट लाइन होता तो इसको प्योर डीसी सिग्नल बोलते, बट ये इसी के अराउंड आ रहा है, यानी कि अब इसमें एसी रिपल्स जो हैं वो कम हो चुके हैं। सो फाइनली मैं ये भी बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि जब भी ये इसे इस इंडक्टर से फिल्टराइजेशन का काम किया गया तो आपको कभी भी प्योर डीसी सिग्नल नहीं मिलता है। आइडियल केस में हम लोग बोल सकते हैं कि डीसी सिग्नल मिल रहा है, बट ये प्योर डीसी सिग्नल नहीं है, अभी भी इसमें एसी सिग्नल्स है। अब फिल्टर का जो नेक्स्ट टाइप है वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।